हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। इस वीडियो में हम देखेंगे आपके हिस्ट्री के मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जाओ तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना, क्योंकि हम वो क्वेश्चंस डाल रहे हैं जो कि आपके मोस्टली रिपीट होते हैं। आप खुद ही डिसाइड करना एंड बताना कमेंट करके कि कैसी है वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था। ठीक है, ये कृति इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है इतनी, क्योंकि ये कृष्णदेव आर्य के द्वारा लिखी गई है। यही पूछा हुआ कि लेखक कौन था, कृष्णदेव आर्य। ठीक है, अब जो अमुक्त माल्यदम किसका कार्य है, सेम ही क्वेश्चन है बट डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है, कृष्णदेव आर्य का। ये जो हिस्ट्री का विजयनगर एम्पायर है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, हर एग्जामिनर का फेवरेट रहता है। ठीक है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। ठीक है, हम्पी बोला जाता है। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी, ये हुई थी 1565 ईस्वी में। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा था कि हमने पीजीटी बायोलॉजी का शायद पेपर डिस्कस किया था, और उसमें आया हुआ था गोल गुंबज वाला क्वेश्चन कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है, और हमने आंसर दिया था बीजापुर में। बीजापुर कहाँ है, कर्नाटक में। तो देखिए, ये ऑलरेडी कंपाइल्ड एक लिस्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, और इसमें से आपके कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में अभी आए हैं। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था, ये किया गया था मोहम्मद अदाली शाह सेकेंड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद अदाली शाह सेकेंड के द्वारा। ठीक है, देन गोल गुंबज कहाँ है, आपका गोल गुंबज कहाँ पर है, यही क्वेश्चन आया हुआ था। ये ऑप्शन में दिया होगा बीजापुर, कहाँ पर है, बीजापुर में। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ की कृति स्तंभ किसने बनवाया था, चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनवाया था, ये बनवाया था राणा कुंभा ने। किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने। ठीक है, देन बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, बहमनी राज्य के संस्थापक आपके अलाउद्दीन बहमन शाह थे। कौन थे, अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, देन सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था, ये आपका गोल कुंडा खान से निकाला गया था। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था, ये आपका पीजीटी फिजिक्स में क्वेश्चन आया था, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था, बाबर। ठीक है, देन पानीपत की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, 1526 में इन्होंने पूछी है पहली लड़ाई, और आपके एग्जाम में आई थी तीसरी लड़ाई। तो जब हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, देन बाबर ने तुझके बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे, उन्होंने लिखे थे तुर्की भाषा में। ठीक है, तुझके बाबरी तुर्की भाषा में। ठीक है, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था, ठीक है, बाबर ने किया था। ये आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी हैं आपके इसे ज़रूर करके जाएं। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित, ठीक है यहाँ पर हैं हम, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था राणा सांगा, यानी कि जो आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के क्या पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, देन बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। ठीक है, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था, हुमायूं के। ठीक है, हुमायूं के शासनकाल में हुआ था, किसका, दिल्ली में एक पुराना किला है वहाँ उसका निर्माण। देन 1540 ईस्वी में किस युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था, ठीक है, कन्नौज के युद्ध के बाद। ठीक है, कन्नौज के युद्ध के बाद। अब आपसे क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन आपका स्किप हो गया,
ये देखना था हमें, पुराना किला किसने बनवाया था, पुराना किला किसने बनवाया था, ये बनवाया था शेरशाह ने, ठीक है, शेरशाह ने बनवाया था। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। सेम ही है, ऊपर वाले में आपका क्या दिया हुआ है, 1540 ईस्वी दिया हुआ है, इसमें आपको क्या दे रखा है, ये किस राज्य, किसके बाद भागना पड़ा था, कन्नौज के बाद, और उन्होंने किसके साथ लड़ाई की थी, शेरशाह सूरी ने उनको हराया था। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, 1540 ईस्वी में, यहीं पे कवर हो गया था हमारा, ठीक है। देन दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया है, अगर आप दिल्ली में गए होंगे तो ऑलमोस्ट हुमायूं का मकबरा देखा ही होगा, कभी स्कूल से ट्रिप जाता है तो वहाँ पे ज़रूर लेके जाते हैं, राजघाट वगैरह और उधर आपको लेकर जाते हैं। सो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया है, हाजी बेगम ने, ठीक है, किसने बनवाया है, हाजी बेगम ने, याद रखना। देन आपका है मेधावी राजस्व अधिकारी, ठीक है, टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी, ठीक है, टोडरमल ने शेरशाह सूरी के अधीन सेवा की थी। देन कलानूर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी, ठीक है, ये तो हो गई 15 वर्ष, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपका ऐसा पूछ सकते हैं कि अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था, कलानूर में हुआ था, ठीक है। देन महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था, ठीक है। यही क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे इंग्लिश में प्रोवाइड करने की आपको, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लगता है कि वो इसी वीडियो से कवर कर लेंगे तो ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि हम एक अलग आपको इंग्लिश में लिखी हुई पीडीएफ प्रोवाइड की जाए जिससे हम वीडियो बना सकें, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। देखिए हमारे इतनी जल्दी आपके 14-15 क्वेश्चन हो गए हैं। देन रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, रामायण और महाभारत दोनों का अनुवाद बदायूं ने ही किया था आपका, किस में, फारसी में, ठीक है। देन क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बदायूं ने महाभारत और रामायण का अनुवाद कौन सी भाषा में किया था, ठीक है। देन अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खम्भों के लिए विख्यात है कहाँ किया था, उन्होंने किया था फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। देन आपका आता है वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था, ठीक है, जैन है ये, हरि और विजय, ठीक है, हरि और विजय जिनका बहुत सम्मान करते थे वो, दीन-ए- इलाही बनने का मूल उद्देश्य था, ठीक है। देखिए दीन-ए- इलाही जो है एक तरह से यूनिवर्सल रिलीजन के रूप में सेट किया गया था, ठीक है, विश्व बंधुत्व, ठीक है, तो इसका मूल उद्देश्य यही था कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बजाय प्यार प्रेम का जो रिलीजन है उसको फॉलो किया जाए, ठीक है। अब आपका आता है आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं अबुल फैज़ल, ठीक है, या अबुल फजल। एंड एक बात और गाइस, हिंदी थोड़ा मेरे लिए हमेशा से ही मुश्किल रहा है, आई मीन टू से कि अगर कोई प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाए तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम से हिंदी पढ़ी नहीं है। देन अकबरनामा किसने लिखा था, अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने, ठीक है। देन हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी, हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी अकबर एंड राणा प्रताप सिंह के बीच, किस किस के बीच लड़ी गई थी हल्दी घाटी की लड़ाई, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच, ठीक है। देन नेक्स्ट, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था, मनसबदारी अकबर ने स्टार्ट किया था, ठीक है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी, सेम अकबर ने। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था जिसमें खंबे थे, ठीक है, अभी पीछे क्वेश्चन किया था तो वो भी अकबर ने किया था, ठीक है। देखिए एक ही की क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो हमें इजीली याद रह जाएगा ये। अकबर अपना धर्म विचार विमर्श कहाँ करता था, ठीक है, इबादत खाना, ये भी आपका यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि इबादत खाना क्या है, ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन होते हैं, रिलीजियस डिस्कशन किए जाते थे। प्रयाग नगर को
अलाहाबाद, अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? अकबर ने दिया था। ठीक है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? ठीक है, बैरम खान जो थे उसके रीजेंट थे, यानी कि जो उसके रीजेंट कौन होता है? रीजेंट वो बंदा होता है, जैसे राजा अगर छोटा हो उम्र में, ठीक है, बहुत छोटा हो, तो उसके लिए एक प्रोटेक्टर रख देते हैं कि जब तक ये बड़ा होता है इसके नाम पर ये गद्दी संभालेगा। ठीक है, तो रीजेंट एक तरह से राजा का प्रोटेक्टर होता है। तो अकबर क्योंकि काफ़ी छोटे थे जब वो गद्दी पे बैठे, 15 साल के ही थे, तो उनका जो इनिशियल डेज में रीजेंट था बैरम खान था। देन आता है अकबर का अभिरक्षक कौन था? ये रीजेंट जो वर्ड है ये इंग्लिश का है, ठीक है, अभिरक्षक जो है आपका वही रीजेंट ही है, तो बैरम खान ही था। देन जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? यानी कि जो लैंड रिवेन्यू वो लोग देते थे, ठीक है, जब्ती बंदोबस्त के दौरान, वो कितना जाता था? वो 1/3 जाता था प्रोडक्शन का। देन है अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे टोडरमल। आपकी टोडरमल जो प्रणाली थी वो इन्होंने ही लागू की थी। देन अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामधुन पांडे, ठीक है, यानी कि तानसेन का बेसिक मीन्स की असली नाम क्या था? ठीक है, रामधुन पांडे उनका नाम था। ठीक है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए- इलाही को स्वीकार किया था? यानी एकमात्र, देखिए, सिर्फ अकेले ने स्वीकार किया था, किसने? बीरबल ने। ठीक है, वो तो करेंगे क्योंकि हिंदू थे। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंटर किया था भारत में, गठन हुआ था, ठीक है, तो मुगल बादशाह कौन था? अकबर थे। ठीक है, किस शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? किस शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? उन्होंने लिखी थी अकबर के शासन काल में। ठीक है, देन तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी थी? रिपीट हो गया है, अकबर के काल में। जहांगीर का अर्थ क्या है? ठीक है, जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी? जहांगीर के टाइम पर। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? ठीक है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? जहांगीर। ठीक है, देन आपका 20th क्वेश्चन, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहाँ ने। ठीक है, देन शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्ते ताऊस 1739 ईस्वी में कौन ले गया? ठीक है, फारसी आक्रमक नादिर शाह। ठीक है, तख्ते ताऊस शाहजहाँ का कौन ले गया? फारसी आक्रमक नादिर शाह। ठीक है, देन आपका आता है औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? ठीक है, मोहम्मद मुअज्जम, ठीक है, उनके बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना। देखिए, इतनी जल्दी हम अराउंड 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि जब हम कोई बुक पढ़ते हैं ना, बार 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 वही बुक पढ़ने से क्या होता है, थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। तो इसलिए थोड़ा टाइम के लिए हमें, जब हमने एक बार बुक पढ़ ली हो तो उसके बाद हमें एमसीक्यू करके देख लेना चाहिए कि हमें हमें कितना आ गया है, कितना याद है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी फारसी। ठीक है, फारसी उनकी दरबारी भाषा थी। देन भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। देन ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था?
ताजमहल बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, ठीक है, ये जोड़ती है पूर्व बंगाल को यानी कि ईस्ट बंगाल को। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई हुई थी, कालिंजर में, ठीक है, कालिंजर में उनकी मृत्यु हुई थी। देन नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन, ठीक है, नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन। शिवाजी का गुरु कौन था, शिवाजी के गुरु थे रामदास। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा, ठीक है, शिवाजी, ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा। तो हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, डेली हम इसी तरीके से आगे क्वेश्चन करते जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो इससे हमारे जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री है, चाहे मिडिविल या फिर आपकी मॉडर्न इंडिया, ठीक है, कोई भी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे ऐसे ही एमसीक्यू से। इससे हमारा क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस हमें बार बार बुक से पढ़ने पड़ते हैं तो फटाफट क्वेश्चन की फॉर्म में हमारा टाइम कम लगेगा और कवर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताएं, कमेंट करें। वीडियो बनाने के बाद का जो मोमेंट होता है, सबसे अच्छा मोमेंट वही होता है जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपका कमेंट पॉजिटिव फीडबैक होता है या फिर नेगेटिव फीडबैक होता है, क्योंकि मेरे लिए वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। एंड अभी शायद 60 क्वेश्चन काफ़ी हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम क्वेश्चंस की नंबर बढ़ाते जाएंगे, सो दैट कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सकें, ठीक है ना। और आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए। कल शाम तक आपको जो TCET का हमने टाइम टेबल बनाने की बोली थी वो आपको मिल जाएगा, हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग ऑल वीडियोज़। बहुत अच्छा लगता है जब भी आपका लाइक या कमेंट आता है, जैसे ही वीडियो डलती है तो आप लोग वीडियो देखते हैं तो वो एक बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है उस चीज़ से कि ठीक है, जो एफर्ट हम कर रहे हैं वो उसका फ़ायदा आप लोगों को हो रहा है।